वो देखो पहाड़ में स्थित है माँ शारदा देवी, और इस तरह से गेट बना हुआ है जैसे डोंगरगढ़ में है, सब दर्शन करके वापस जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, ये खड़ी चढ़ाई है, अरे तेरे की ना दौड़ते हुए। ये देखो कंटिन्यू रोपे चल रही है, कंटा नहीं हम लोग कितने बजे से चढ़ाई किए हैं तब जाकर अभी, हालांकि इसमें कोई नहीं है। 3:07 में चढ़ाई किए, 3 दिक्कत के बाद में पहुंच रहे भाई साहब, बहुत दिक्कत। वैसे काफ़ी हद तक भीड़ देखने को मिला है इसमें, और सीजन में भी देख सकते हो क्या जबरदस्त भीड़ है। और ये तो मैंने माता रानी का, हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग स्टॉल पे एक बार फिर से सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मैं हूँ माँ शारदा देवी टेंपल के पास में, यहाँ पे अपने को सीढ़ी चढ़ाई करनी है। सीढ़ी कितनी है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया क्योंकि यहाँ पे लॉकर भी है और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है। तो यहीं पे अपन पूजा सामग्री ले रहे हैं ताकि माता को चढ़ाने के लिए। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं माँ शारदा देवी टेंपल, आप लोगों को ले चलते हैं दर्शन कराएंगे। यहाँ पर अग्रवाल मिठास ग्रह करके लिखा हुआ है, यहीं पे हमने अपना बैग हेलमेट सब छोड़ दिए हैं। ये देखो यहाँ पे पूरी मार्केट सजी हुई है, यहाँ से आप लोगों को पैदल पैदल आने होंगे। अगर बाइक से आते हैं तो यहाँ तक हम लेकर आ गए हैं, बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी है लेकिन आने नहीं देते हैं, लेकिन आपको लेके आने, अगर आप लेके आना चाहते हो, कार तो नहीं आ पाएगी। वो देखो पहाड़ में स्थित है माँ शारदा देवी, तो चलो चलते। तो अभी दोपहर के 3:07 हो रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ाई करने के लिए। उससे पहले आप लोगों को इस तरह से दुकानें देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, और भीड़ भी देख लो भाई, अभी सीजन है नहीं उसके बावजूद भी यहाँ पे तगड़ा भीड़ है भाई साहब। राइट साइड में काफ़ी सारे दुकानें देखने को मिल रहे हैं अपने को, यहाँ पे चूड़ी की दुकानें हैं, और ये देखो गोदना वाला भी है, फूल की दुकान है, और इस साइड भी दुकान ही दुकान देखने को मिल रहा है अपने को। शादी जोड़े भी आए हुए हैं, देखो नई नई शादी हुई है उनकी, माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे टिकली फुंदरी सभी की दुकानें हैं भाई साहब, माले के भी यहाँ पे दुकानें सजे हुए हैं, और चूड़ी कंगन जिस हिसाब से मेले में दुकान सजे होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे दुकान सजे हुए हैं। और इस तरह से भाई फूल बेचने के लिए भाई परेशान करते रहते हैं तो भाई बच के रहियो भाई इन लोगों से, अगर हाँ लेना तो ले सकते हो, बाकी लूट वाला काम नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है यहाँ पे। देखो कोई फोटो बेच रहे हैं, कोई माला बेच रहे हैं, तो कोई कुछ बेच रहे हैं, इस तरह से चलता रहता है। सिंदूर मिल जा रहे हैं यहाँ पे, तो भाई साहब मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अभी सीजन नहीं है उसके बावजूद इतना तगड़ा भीड़ है, सीजन के दिनों में पता नहीं कितना भीड़ रहता होगा भाई। यहाँ पर हाथी है, लोक देव अल्लाह करके लिखा हुआ है, और यहाँ का इतिहास भी है, अल्लाह देव शायद आते होंगे पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे पानी की भी सुविधा है, आगे साइड में सीढ़ी दिखाई दे रहा होगा, ये देखो आगे साइड में सीढ़ी है, और इस तरह से पूरे बने हुए हैं भाई। बता तो रहे थे कि पूरा ये ढका हुआ है, आपको एक भी धूप देखने को नहीं मिलेगा ऐसा करके। तो अपने को यहाँ से जाना है, हम फर्स्ट टाइम आए, द्विवेदी भाई तो काफ़ी बार आ चुके हैं लेकिन हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और इस तरह से गेट बना हुआ है जैसे डोंगरगढ़ में है, वैसे यहाँ भी माता रानी पहाड़ों में स्थित है, वहाँ पर है रोपवे, रोपवे के थ्रू भी आप आना जाना कर सकते हैं। तो रोपवे से तो हम नहीं जा रहे हैं, हम तो सीढ़ी के थ्रू चलेंगे। ये देखो भाई साहब इस साइड आने का है, उस साइड जाने का है। गाइस फाइनली हम सीढ़ी चढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, और इस साइड में देख सकते हैं भीड़, देखो भक्तगण सब आ रहे हैं दर्शन करके, क्या बात है भाई। गाइस अभी सीढ़ी तो अच्छी खासी बनी हुई है, अब देखते हैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को रोप वे चल रहा है उस साइड में, रोप वे के थ्रू भी आपको आना जाना कर सकते हैं भाई साहब। चलते हैं, 3:08 हो रहे हैं, देखो इस तरह से लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, इस साइड में आने का है, चलते जा रहे हैं। यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी का दरबार भी है, ये देखो जय हनुमान जी, बाकी वहाँ पे लंगूर भी है, और इतने सारे भाई लोग दर्शन करके वापस हो रहे हैं। ये अच्छा बना दिया भाई, मैंने कि इस साइड से भी जाने का है, इस साइड से भी जाने का और इस साइड से आने का। देखो भाई सब आ रहे हैं जा रहे भाई, आउट सीजन में भी इतना भीड़ है, आना पड़ेगा यार कि देवी कुल देवी है, भक्तगण सब दर्शन करके वापस जा रहे हैं। सब सुबह सुबह आए थे, हाँ सब सुबह सुबह आए थे,
दर्शन करके अभी नीचे उतर रहे 3 बजे। सीढ़ी तो अभी हम चढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी तो भाई बचा हुआ है सीढ़ी, देख रहे हो जाने वाले की संख्या कम हो गई है, आने वाले की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है भाई साहब। जय माता दी, जय माता दी। हमारी सांसें फूलना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग बना रहे हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं मिला शरीर को इस वजह से। और यहाँ की जो सीढ़ी है अच्छी खासी बनी हुई भाई, वेल मेंटेन है, कहीं भी कोई खराबी नहीं है। विश्राम करने का भी बहुत तो बस चले पड़े हैं, खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई। ये देखो ऐसे अब यहाँ पे सीढ़ी डिवाइड हो गई है, लोग अब यहाँ से आना जाना कर रहे हैं और हमें यहाँ से जाना है भाई साहब। द्विवेदी भाई बताएं, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, एक तो ये है देख सकते हैं आना जाने वाला, दूसरा ये रोड के माध्यम से भी आप जा सकते हैं माता का दर्शन करने के लिए, और माता का दरबार ऊपर में है तो अपने को ऐसे पूरे घूम के ऐसे जाने हैं, ऐसे सीढ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी अपने को। और जगह जगह पे JP सीमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं भक्तगण सब विश्राम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन भाई इतने सारे भक्त कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू माता का दर्शन करने के लिए। चलो अभी तो हम आधा भी नहीं पहुँचे लगता है जहाँ तक, अभी तो और आगे बढ़ना है, लगभग 1100 के आसपास सीढ़ी है यहाँ पे, चलते जाना है। और ये ओवरब्रिज बना हुआ है, तो यहाँ पे रोपवे जाते हुए पेड़ पौधे होने की वजह से दिख भी नहीं रहा है, ऊपर से नज़ारा दिखलाएंगे आप लोगों को, तो इसके माध्यम से भी आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहता है सीढ़ी का माध्यम, इसमें तो मुझे डर भी लगता है भाई कहीं टूट ना जाए। चलो चला जाए भाई साहब, यहाँ पे अच्छा खासा ठंड महसूस हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 518, 19, 20, अच्छा यहाँ पे सीढ़ी संख्या लिखा हुआ है, तो देखेंगे कितनी टोटल ये सीढ़ी है यहाँ पे, हालत पंचर हो जाएगा चढ़ते चढ़ते। देख रहे हो खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, ये खड़ी चढ़ाई है भाई, बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। थोड़ा सा यहाँ पे अपन रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, हालत ख़राब हो जा रहा है। देखो गुड़िया दौड़ते हुए आ रही है, अरे तेरी की ना, दौड़ते हुए जा रही है भाई। फिर से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा विश्राम किया था हमने 5 मिनट का, और अभी 3:25 हो रहे हैं। भगवान जी बांध सकते हैं, चुंदरी भी बांध सकते हैं आप लोग माता रानी का, माता रानी का घर बैठे दर्शन करिए, जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ में माता का दर्शन करने के लिए। भाई साहब एक और पॉइंट आया है, देखते हैं फिर से अपने को रोड देखने को मिल रहा है भाई साहब, मतलब कि रोड के माध्यम से भी अपन आसानी से जा सकते हैं, और यहाँ पे पीने का पानी भी उपलब्ध है, बढ़िया भाई। जगह जगह पे नल दिया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो कंटिन्यू रोपवे चल रही है, कंटिन्यू वहाँ पे जाके रुक गई है यहाँ पे देन। तो गाइस ये वाला जो सीढ़ी है जाने का रास्ता ये बंद कर दिया गया है, ऊपर में सीढ़ी के थ्रू हम लोग जा सकते थे बट पता नहीं क्यों बंद कर दिया है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा अपने को। तो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को पूरा दिखलाते हुए कि आप माता का दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। देखो भक्तगण सब आ रहे हैं भाई साहब, इतने सारे भक्तगण दर्शन करके, बढ़िया यार माता का दर्शन हो गया। बाइक तक जाने का पूरा रास्ता बना हुआ है तो आप जा सकते हैं बाइक के थ्रू, बट अभी तक तो मैंने एक भी बाइक कार देखा नहीं है। जगह जगह पे नल दिया हुआ है, कैसे जा रहे हैं, सकरा सा ये बना हुआ है, आने का काफ़ी चौड़ा है, जाने का एकदम सकरा सा है। ये जा रही भाई रोपवे, हम लोग यहाँ से कट लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं नवरात्रि का हो सकता है तैयारी, गर्मी की नवरात्रि अभी आने वाली है। और ये देख सकते हैं डामरी वाला रूट, इस पे अपन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई इसमें चल के। सीढ़ी अब नहीं है, इस तरह से बना हुआ है, हम लोग काफ़ी हाइट में आ चुके हैं,
आप लोगों को नज़ारे दिखलाएंगे कितने हाइट में हम लोग। डोंगागढ़ है, सेम उसी हाइट में है माता का दरबार। जब टॉप में चलेंगे तो सीढ़ी भी बतला दूंगा टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं अगर लिखा होगा तो। बाकी देखो यहाँ पे भक्तगण सब बैठे हुए हैं, दर्शन करके खाना पीना कर रहे हैं। पता नहीं हम लोग कितने बजे से चढ़ाई किए हैं तब जाकर अभी वापसी हो रहे हैं भाई। और अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है, एक भी धूप का एहसास नहीं है। देखो सब गाना वाना गाते हुए जा रहे हैं जैसा माता रानी का, चलते जा रहे हैं। अगर मैं देख सकते हैं पूरा खाई है, एक बार मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ खाई, अगर दिखा पाऊँ तो। ये देखो पहाड़ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो पूरा खाई है साइड में, पूरा खाई है पहाड़ देखो आप लोग। और ये देखो यहाँ पे गाड़ी भी आ रही है भाई, तो गाड़ी भी लेके आ सकते हैं आप लोग दर्शन करने के लिए। ये गाड़ी जा रही है, एमपी की गाड़ी है ये, इसके माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं। क्या बात है। और इस साइड में पूरा खाई भी देखो अच्छे से पूरा घेर के रखे हुए हैं भाई जालियों से पूरा चारों तरफ। यहाँ से फिर से अपने को जाना है, ये आने का रास्ता है, ये जाने का रास्ता है। वहाँ पे अभी काम चल रहे थे ना, देख सकते हैं जो बुक करा के लेके आते हुए मंदिर के तरफ से थे नहीं। यहाँ पे मंदिर के थ्रू गाड़ी चलाया जाता है, अगर जो भक्तगण सक्षम नहीं है सीढ़ी चढ़ाई करने के लिए या फिर रोपे के लिए तो गाड़ी के माध्यम से भी आना जाना कर सकते हैं। लेकिन जो मंदिर परिसर के जो गाड़ी है वही आएगी, आप अपने खुद की गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। एक और गाड़ी आ रही है, ये देखो इस तरह से गाड़ियाँ चलती है, इसके माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई नहीं है अभी, मैं कहाँ से ले जाने के लिए जा रहे हैं, वापसी में लेके आएंगे लगता है श्रद्धालु। तो भाई पूरे जाली ही जाली देखने को मिल रहा है भाई। और यहाँ पे नारियल वगैरह सब तोड़ रहे हैं साइड में भाई, इस मेरे ख्याल से ये रोपे वाला है, लोग यहीं से उतर रहे हैं। ये देखो यहाँ ही से उतरना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा आगे है क्या, चलो ऊपर देखते हैं, यहाँ से नज़ारे दिखला देता हूँ मैं, उसके बाद फिर से अपने को यहीं से जाना है। देखते हैं यहाँ से नज़ारे कैसे दिखते हैं भाई साहब। वाह यार, हालांकि सामने सूरज देवता दिख रहे हैं इस वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन काफ़ी शानदार सा दृश्य है। और ये देखो पहाड़ देखो, अभी हम लोगों को इसके ऊपर जाने हैं, माता का दरबार ऊपर साइड में है। और मैं आप लोगों को बोल रहा था ना रोपे, तो वो रोपे वाला नहीं है, वो मतलब किसी सीढ़ी के थ्रू नीचे उतर रहे हैं लोग और पैदल पैदल जा रहे हैं। फिर से सीढ़ी चढ़ाई होने वाली है, माता का दरबार जाने का रास्ता यही है। पूरा पहाड़ के किनारे किनारे घूम के हम आए हैं भाई साहब, फिर विश्राम करने के लिए मस्त बढ़िया सा बना हुआ है। ऐसा लगेगा कि ये गेट बंद है करके, लेकिन ये किनारे किनारे से अपने को जाना है, मंदिर का रास्ता लिखा हुआ है और नीचे उतरने का दूसरे साइड में है। बाकी यहाँ से जो नज़ारे हैं काफ़ी शानदार से नज़ारे हैं, और यहाँ पे भक्तगण भी आ रहे हैं नारा लगाते हुए। देन गाइस यहाँ से नज़ारे देख लो आप लोग, ये देखो शानदार सा नज़ारा है, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही भाई, एक नंबर। तो चलो चलते हैं, दर्शन कराते हैं आप सभी को माता रानी का। जय माता दी। 29 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, ये देखो पूरा ऐसे घूम के आए हो भाई साहब, और अभी आगे और जाना है। यहाँ पे हमने लाइन लगा के रखे हुए हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे इतना जाम लग गया है, देख सकते हैं भक्तगण पूरे लाइन लगा के रखे हुए हैं अपने को पूरे ऐसे घूम के जाने भाई साहब ऊपर में। तो अब यहाँ से अपने को ऐसे ऊपर जाने भाई साहब, और इतना भीड़ है देख सकते हो, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं दर्शन करने के लिए साहब, मतलब कि जितना चढ़ाई में अपने को वक्त नहीं लगाना उतना दर्शन करने में लग जा रहा है। हम लोग लगभग 3:07 में चढ़ाई किए, 3:35 में चढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे भाई अभी 4:30 होने वाले हैं, 4:30, सोच लो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया अपने को। सब
सभी को वही दिक्कत परेशानी हो रही है। वो भी दिख रहा है काफ़ी शानदार सा, लेकिन जाली होने की वजह से मैं अपने लोगों को दिख नहीं रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे सब बढ़ते जा रहे हैं। गाइस तो ये देखो यहाँ पे माता का दरबार दिख रहा है, तो नज़दीक में हम माता के देख सकते हैं गोल की चढ़ाई और बची है, तो देख सकते हैं भाई फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं दरबार के पास में। बहुत दिक्कत के बाद में पहुँच रहे भाई साहब, बहुत दिक्कत। माता का दरबार अभी फिर भी 15-20 मिनट तो लगी जाएंगे। वो हमारे राइट साइड में ना रोपे वाले लोग हैं जो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए, इस वजह से काफ़ी हद तक भीड़ देखने को मिला है। तो सबसे पहले वही लोग दर्शन कर पा रहे थे जो यहीं से डायरेक्ट, और हम लोग लाइन लगा के रखे हुए हैं। और ये रहा माता का दरबार, देखो कितना ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये नीम का पेड़ भाई, सीजन नहीं उसके बावजूद भी अब देख सकते हैं इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 5 बजने को है। 3:30 तक हमने चढ़ाई कंप्लीट कर लिया था और 5 बजने को है भाई साहब, अभी तक हमने दर्शन नहीं कर पाए हैं। 2 सिंह बने हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे भाई, बहुत समय लग रहा है दर्शन करने के लिए भाई साहब। पता नहीं दर्शन करा पाऊँगा कि नहीं, फ़ोटो खींचना सकता मना है लिखा हुआ है, देखते हैं कोशिश करेंगे। इसको मेरे पीछे साइड में मंदिर के अंदर में पहुंचने वाले हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं ताजी का। घर बैठे दर्शन करिए जिस माता रानी का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देख रहे हो बाप रे बाप, क्या जबरदस्त भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जब तक तो हम दर्शन करा रहे हैं, यहाँ भी घर बैठे दर्शन करिए, इतना खूबसूरत सा माता रानी है। जय माता दी। अभी मंदिर के जस्ट पीछे साइड में है जो हम आप लोगों को दर्शन करा पा रहे हैं, ले दे के दर्शन करा पाए भाई साहब। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो लोगों का भीड़, देख रहे हो आप लोग, बाप रे क्या खतरनाक भीड़ है, जबरदस्त। सीजन नहीं है भाई, उसके बावजूद भी देख ले किस हद तक यहाँ पे भीड़ है। सीजन रहता तो भाई बात ही अलग था भाई, यहाँ पे भाई सीजन के दिन तो मैं नहीं आने वाला, क्योंकि और सीजन में भी देख सकते हो क्या जबरदस्त भीड़ है। और ये रहा मंदिर जो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं, मंदिर के अंदर में भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, उसके बावजूद भी हमने दर्शन कराए हैं। अब यहाँ से पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखलाएंगे, व्यू दिखलाएंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से पेड़ है, इसकी भी पूजा अर्चना चल रहा है चारों तरफ, तो बहुत घर बैठे आप भी दर्शन करिए इस तरह से पूजा अर्चना चल रहा है। देन यहाँ पे काउंटर भी बने हुए हैं, देखो दान काउंटर करके लिखा हुआ है। और पूरा चारों तरफ घूम रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ की जितनी भी पब्लिक आई हुई है दर्शन करने के लिए वो दिखला रहा हूँ, देख लो चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं थक हार के, और ये देखो यहाँ पे सब यहीं से डायरेक्ट जा रहे हैं, जो रोपे वाले लोग हैं वो डायरेक्ट यहीं से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस तरह से डायरेक्ट आप लोगों को दर्शन हो पाएंगे, तो रोपे वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सब लाइन लगा के रखे हुए हैं भाई साहब, देख रहे हो रोपे से आए हुए हैं वो सब यहाँ पे लाइन लगा के रखे हुए हैं, ये देखो इस तरह से। और ये इनकी डायरेक्ट दर्शन होती है, और ये देखो आंटी जी कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ शारदा, जय माँ शारदा। तो हमने तो दर्शन कर लिया है, अब यहाँ तरह से पूजा अर्चना कराने के लिए यहाँ पे पंडित मिलेंगे आप लोगों को, तो अगर पूजा अर्चना कराना चाहो तो पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। ये देखो यहाँ भी सब बैठे हुए हैं थक हार के, अब हमें नीचे भी उतरने हैं भाई साहब। तरह से सब बना बना के रखे हुए हैं माता रानी का, मरी माता करके लिखा हुआ यहाँ पे। मैन यहाँ पे साफ़ सफाई भी अच्छे से चल रहा है, ये देखो भैया साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये रहा माता रानी, इनकी फ़ोटो लगे हुए यहाँ पे, फ़ोटोग्राफी भी अब कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे उतरना अपने को, पहले यहाँ का जो व्यू है वो आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। और ये देख सकते हैं सब फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, यादगार के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ।
यादगार के तौर पे। कलेक्टर कक्ष भी है, पुलिस सहायता कक्ष भी है इस साइड में। शिकायत सुझाव हो तो आप कर सकते हैं। देखो मंदिर इतना भव्य मंदिर देख रहा भाई साहब, चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। चलो यहाँ का मैं व्यू दिखला देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ का जो व्यू कैसा दिखता है। यहाँ से चलते हैं, व्यू देखते हैं यहाँ से नज़ारे। बाकी ये भी लाइन लगाने के लिए इस तरह से बनाए हुए हैं। बाकी ये देखो नज़ारे देखो भाई साहब, क्या शानदार से दृश्य देखने को मिल रहा है अपने को, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, एक नंबर। और ये रहा माता का दरबार। अरे कहा जो जाए जो कहीं कहा। तो मैंने माता रानी का दर्शन कराया है घर बैठे, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख सकते हैं कितना हद तक यहाँ पे भीड़ है। अभी हम नीचे उतरेंगे, रोपे का चार्जेस भी पता करने की कोशिश करेंगे कि कितना यहाँ पे चार्जेस है रोपे का। तो यहाँ से नीचे उतरना अपने को पैदल मार करके लिखा हुआ है। काफ़ी सारे भक्तगण हैं और पीने का पानी भी उपलब्ध है, तो यहाँ पे पानी वानी सब पी रहे हैं। अब देखना ये है, ये तो खैर रोपे है, यहीं से आप लोगों को ऐसे जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए माता रानी का। और काफ़ी बड़े स्पेस में देखो वहाँ पे रोपे भी आ रही है भाई साहब। यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं, रोपे मिल जाएंगे आप लोगों को। और इसका प्राइस क्या है देख लेता हूँ एक मिनट। इसका जो प्राइस है यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्य का है यहाँ पे 100 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति का 100 रुपये, बच्चों का है 85 रुपीज़। तो 100 रुपये में और क्या चाहिए भाई, रोपे मिल जा रहा है आप लोगों को। देख रहे हो कंटिन्यू यहाँ पे रोपे चल रही है। तो पैदल ही पैदल चलेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से चलना अपने को। देखो कितने सारे भक्तगण आ रहे भाई साहब, सब पैदल यात्री वाले लोग हैं। पे दिया गया है कृपया यहाँ से नीचे उतरिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पे जगह जगह पे डायरेक्शन दिया गया है। और ये देखो यहाँ पे इस तरह से पूरे बांध के रखे हुए भाई साहब। जाते जाते आप लोगों को मैं व्यू भी दिखला दूंगा कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। यहाँ से नज़ारे देखो भाई, क्या शानदार सा दृश्य देखने को मिल रहा है भाई। देखो काफ़ी हाइट में हम लोग, काफ़ी हाइट में हैं। नीचे उतरने में लगभग आधा घंटा और लगेगा मुझे, और द्विवेदी भाई को थोड़ा सा तकलीफ होता है। कैसे कैसे सीढ़ियाँ बनी हुई है उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। एक उतरने का भाई एकदम खड़ी है भाई, चढ़ाई खड़ी है, लेकिन उतरने में बड़ा आसानी लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सही है भाई, सीढ़ी वगैरह सब इस साइड का भी बढ़िया बना हुआ है। इस तरह से पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। चढ़ने में बड़ा आसानी लगता है, उतरने में भी आसानी लगता है मुझे। चढ़ने में थोड़ा सा सांस फूलता है, बाकी उतरने में उतना कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। गाइस नारियल वगैरह यहीं पर आप लोगों को फोड़ने पड़े, यहाँ पर नारियल पूरे बिखरे पड़े हैं। ये जाते जाते आप लोगों को मैंने दिखलाया था, तो सब यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग।